नमस्कार दर्शक मित्रों, आप निहाळी राह छो एसलाई न्यूज बुलेटिन नजर नाखी अत्यार सुधीना मुख्य समाचारों पर। जर्मनी ना भारत ना राजदूत मुख्यमंत्री ने मळ्या। बाटलानी ठंडा पानी नी फरक। गुजरात भाजपा प्रदेश माथा फेरफार कराया। सरखेज पुलिस स्टेशन ना कंपाउंड में आपती नासबा। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने गांधीनगर ना जर्मनी ना भारत स्थित राजदूत माइकल स्टेनर सौजन्य मुलाकात लई गुजरात साथे सहभागी गुणवत्ता युक्त वोकेशनल ट्रेनिंग अने स्किल डेवलपमेंट ना क्षेत्र कुशल युवा संपदा निर्माण करवानी तत्परता व्यक्त करी हती। आनंदीबेने जर्मनी विश्वमां टेक्नोलॉजी दृष्टिए उत्कृष्ट ज्ञान निपुणता धरावे छे, त्यारे गुजरात साथे तेनी सहभागिताथी नमूनारूप क्वालिटेटिव वोकेशनल ट्रेनिंग कार्यक्रमो शुरू करवा जर्मनी ना तज्ञना राज्यनी औद्योगिक तालीम संस्था कौशल्यवर्धन केन्द्रो सेंटर ऑफ एक्सलेंस ना अभ्यास निरीक्षण माटे आवे अने पोताना ज्ञान कौशल्य नो लाभ युवा पेढ़ी ने मार्गदर्शन करवा आपे तेवो फलादायी विचार विमर्श जर्मन राजदूत साथे कर्यो हतो। मुख्यमंत्री गुजरात में एमएसएमई सेक्टर नी विस्तरेली क्षेत्रीजो अने प्रधान मंत्री वा मेन इन इंडिया संकल्प ने साकार करवामां आ सहभागिता गुजरात ने ज्ञान कौशल्य वर्धित युवा संपदा उभी करवामां अग्रेसर बनावशे तेवो विश्वास व्यक्त कर्यो हतो। माइकल स्टेनरे जर्मनी में तालीमबद्ध मानव बल तैयार करवा अभ्यास साथे संलग्न आवी तालीम उद्योगों में युवा धन ने प्रेरित करीने अपाय छे। तेने विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री ने आपी हती। मुख्यमंत्री साथेनी आ मुलाकात बैठक में जर्मनी ना उद्योग गृहों ने आई वोकेशनल तालीम युवाओं ने पूरी पाड़वा माटे आपता इंस्टिट्यूट तथा उद्योगो गृहोनी सामाजिक दायित्वनी भावना अंगे पण जर्मन राजदूते विस्तृत चर्चा विचारणा करी हती। जर्मन राजदूत माइकल स्टेनरे राज्यना श्रम अने रोजगार मंत्री विजय रूपाणी साथे सौजन्य मुलाकात योजी हती। आ बैठक दरमियान गुजराते स्किल डेवलपमेंट क्षेत्रे शुरू करेला नवा आयामोने रूपरेखा मंत्री रूपाणीए आपी हती। गुजराते मेळवेली स्किल डेवलपमेंट क्षेत्रनी सिद्धिओ अने कामगीरीथी जर्मन राजदूत प्रभावित थया हता। आकाशमांथी अंगारा वरसी रह्या छे, लोको परेशान थई गया छे। लोको कारजाळ गरमीथी बचवा ठंडा पाणीथी मांडी सरबत आइसक्रीमनो सहारो लई रह्या छे। गरमीनी ऋतુમાં જ માનવીને પાણીનું મૂલ્ય સમજાય છે। પાણી ઠંડા કરવાના અનેકવિધ સાધનો આજના ટેકનિકલ યુગમાં હાથ વેગા બન્યા છે, છતાં માટલાની અંદર રહેલા પાણીની શીતળતા કંઈક જુદી જ હોય છે। સામાન્ય માનવીની ફ્રીજની ગરજ માટલા સારે છે। આજકાલ બજારમાં માટલાની કિંમત અને તેની માંગમાં વધારો જોવા મળે છે। માટલા ત્રણ પ્રકારના જોવા મળે છે, જેમાં રાજસ્થાન ઉદયપુર બાજુથી સફેદ માટલાઓ વેચવા આવે છે, જ્યારે લાલ માટલા ગુજરાતમાં જોવા મળે છે, તો વળી ઘણી જગ્યાએ કાળા માટલા પણ જોવા મળે છે। આમ લોકોની માન્યતા મુજબ કાળા માટલામાં પાણી ઠંડુ વધુ જોવા મળે છે, તો વળી રાજસ્થાનની સફેદ માટલામાં પાણી ઠંડુ થતું હોય છે। આમ આપણા ગુજરાતીઓ ફ્રીજ હોવા છતાં પણ માટલાનું ઠંડુ પાણી પીવા ટેવાયેલા છે। ખાસ કરી ઘણી જગ્યાએ રસ્તા ઉપર લાલ માટલામાં ઠંડા પાણીની પરોવણ જોવા મળે છે। प्रदेश भाजप संगठन ना विविध पदाधिकारी अन्य जवाबदारियों ना पगले संगठन माणगा में उपाध्यक्ष महामंत्री अने मंत्री ने विविध निमणूक करी होवानुं जणाव्युं छे। पक्षना उपाध्यक्ष मंगूभाई पटेल राज्यना वन पर्यावरण मंत्री बनता तेमना स्थाने लीमखेड़ाना धारासभ्य जसवंतसिंह बाबोरनी निमणूक कराई छे। पक्षना बे महामंत्री विजय रूपाणी वाहन व्यवहार मंत्री अने शंकर चौधरी ने आरोग्य राज्य मंत्री बनता तेमना स्थाने क्रमशः सांसद मनसुख मांडविया अने गांधीनगर शहर जिला प्रभारी अने पाटणना केसी पटेल नी निमणूक विवादास्पद बनी नथी, केम के आ त्रणेय मंत्रीओना स्थाने नवी निमणूक थवानी ज हती। परंतु महामंत्री भरत पांड्याना स्थाने वडोदराना पूर्व मेयर सफदरसरण ब्रह्म भट्टनी निमणूक कराई भारे विवादास्पद ठरी छे। वडोदरा सहित मध्यधनना महामंत्रीनो हवालो संभाळता भरत पांड्याએ તેમના હોદ્દા પરથી હટાવીને ચકચાર મચાવી દીધી છે। सरखेज पुलिस स्टेशन ना कंपाउंड में पड़ेला वाहनों में एकाएक आग फाटी निकलता अफड़ा तफड़ी मची गई थी। फायर ब्रिगेड तात्कालिक घटना स्थले दौड़ी जाने आग ने काबू में लीधी थी। आग नु कोई चोक्कस कारण जाणवा मळ्युं न हतुं। फायर ब्रिगेड ना जणाव्या अनुसार सरखेज पुलिस स्टेशन में आवेला कंपाउंड में पड़ेला वाहनों में धुमाड़ा निकलवा लाग्या हता अने अचानक आग फाटी निकली थी। घटना की जाण थता पुलिस स्टेशन में आराम फरमावता पीआई सहित पुलिस कर्मचारी बहार दौड़ी आव्या हता। बनावनी जाण
ફાયર બ્રિગેડને કરાતા કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે ઘસી જઈ આગ પર પાણીનો મારો ચલાવ્યો હતો. આ ઘટનામાં 150-200 વાહનો બળીને ખાક થઈ ગયા હતા. પોલીસ સ્ટેશનમાં કમ્પાઉન્ડમાં આગ કઈ રીતે લાગી તેનું કોઈ ચોક્કસ કારણ જાણવા મળ્યું ન હતું. પોલીસે હાલમાં FSLની મદદ લઈ આગ લાગવાનું કારણ જાણવા પ્રયત્નો શરૂ કર્યા છે. અચાનક ફાટી નીકળેલી આગને કારણે પોલીસ મથકના કર્મચારીઓમાં ભયનો માહોલ છવાયો હતો અને નસભાગ મચી હતી. તો મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો. સમાચારોની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો SLI News. નમસ્કાર.